हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो एक और छोटा सा वीडियो आज बनाने वाला हूँ। मैंने YouTube के लिए मंगाया है कुछ गैजेट, एक यूनिक सा, एकदम सस्ता वाला है। क्या है तो अभी मुझे डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया है, तो मैं पहले पिकअप कर लेता हूँ और उसके बाद में इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरा डिटेल आपको दिखाएंगे। तो चलिए पिकअप कर लेते हैं। पहले सामने ही है अपने भाई बहन, उनसे पहले माल पिकअप कर लेते हैं और देखते हैं कैसा क्या है, इसके अंदर क्या निकलता है। वो जाके जब अपन ओपन करेंगे उसके बाद में पता पड़ेगा। तो चलो अपना पार्सल आ गया है भाई, पहले एक बार पिकअप कर लेते हैं। क्या हाल चाल है भाई? बस बढ़िया बढ़िया। और ये है अपना बॉक्स, उसको पहले ले लेते, रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं अंदर, फिर करेंगे अनबॉक्स। और इसकी रेट कितनी है वो भी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो पार्सल को लेके मैं वापस अंदर आ गया हूँ वापस। तो अभी मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है और ये बॉक्स है, अभी मैं इसको ओपन करूँगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ निकलती है। और ये मेरे YouTube के गैजेट के लिए ही मैंने मंगाया है, इन फ्यूचर मुझे बहुत काम आने वाला है क्योंकि मैंने बहुत सारी आइटम ऐसी मंगाई है जो इससे सपोर्ट करेगी। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, पिकअप करके मैं लेके आ चुका हूँ और इसको पहले फाड़ देते हैं। तो ये मेरे पास सीजर है, इसको ओपन करते हैं एक बार बॉक्स। तो इसको रख देते हैं साइड में और बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो इसके अंदर भी एक ट्रे है, इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले इसके अंदर आप देख पाएंगे तो एक लाइट आई है, ये नाइट में मुझे शूट करने के लिए काम आएगी। फिर साथ में है एक माउंट होल्डर और ये कोल्ड शू वाला है, इसके ऊपर अपन माइक भी अटैच कर पाएंगे। फिर इसके बाद में आया है एक बहुत यूनिक सा, बहुत गजब सा माइक, इसको भी हम लोग टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, बाहर का जो नॉइज़ होता है कितना कैप्चर कर पाता है, तो वो भी दिखाते हैं। और इसको अटैच करने के लिए ये है एक केबल और ये है कुछ एक ट्राईपॉड जो मुझे बहुत काम आने वाला है। और इसको कैसे यूज़ करना है वो हम लोग देखते हैं। और इसको खोलने के लिए ये पहले स्विच थोड़ा ऐसा दबाना पड़ेगा, ये देखिए ऐसे खुल सकता है आपको जितना खोलना है। और ये जो है ये ट्राईपॉड के ये जो पैर है ये इस तरह से खुल जाएंगे और आपको ऐसे रखना है तो इस तरह से रख पाएंगे। और आपको जैसे मान लें कि फ़ोन ऐसे होल्ड करना है तो इसके लिए इसको ऐसे कर देने का और फिर इसके बाद में ये जो ट्राईपॉड है वो इसके ऊपर लग जाएगा ऐसे, इस टाइप में कुछ राउंड राउंड आप घुमाएंगे तो आराम से इसका पैकअप हो जाएगा। और जैसे पैक होए उसके बाद में आप इसको ऐसे रख के आपका कहीं भी शूट करना हो तो ये ऐसे रख सकते हैं। ये ट्राईपॉड भी है, अगर आप इसको स्टैंड की जगह सीधा आप सिर्फ शूट ही करना है तो ऐसे करके आप शूट कर सकते हैं, आप देख पाएंगे तो ऐसे आपका सीधा शूट हो जाएगा। और रही बात माइक की, तो ये माइक सीधा ही ये इसके अंदर, ये देखिए आप ऐसे बोल्ट दिए हुए हैं ये। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ ऐसे फंसा के इसको ऐसे गोल गोल घुमा के, ये आप देख पाएंगे तो हम लोगों ने इसको माइक को भी फिट कर लिया है। और नीचे से आप ऐसा है तो टाइट भी कर सकते हैं, एकदम फिट फॉर सीधा हो गया। ये लाइट है, आप लाइट अगर माइक नहीं चाहिए तो लाइट भी यहाँ फिट कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसकी लाइट की ज़रूरत ज़्यादा है तो वही कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी ये देखिए आप देख पाएंगे कोल्ड शू इसके ऊपर भी दिया हुआ है इसको फिट करने के लिए। तो आप देख पाएंगे मेरे पास दूसरा फ़ोन है, ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है, इसको मैंने ट्राईपॉड के अंदर ऐसे फिट कर लिया है। और अभी बारी है माइक लगाने की, तो माइक के लिए हम लोगों को ये देख आप देख पाएंगे ये पीछे वाला भाग है वो माइक के अंदर लगेगा क्योंकि इसके अंदर ऐसा एरो दिया हुआ है। ये हो गया माइक के अंदर फिट। फिर ये वाला भाग है वो फ़ोन के अंदर डाल देते हैं हम लोग, और 3.5 जैक है उसके अंदर लग जाएगा। आपका आईफोन है तो लाइटनिंग केबल के ज़रिए आपको अटैच होगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये माइक को यहाँ पर पहले फिट कर लेते हैं और ये कुछ ऐसे हम लोग टाइट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। और बात करें लाइट इसके लिए, तो इसके लिए भी पूरा दिया हुआ है, चारों तरफ इसको कहीं भी अटैच कर सकते हैं, ऐसा एक लाना पड़ेगा हम लोगों को। उसके बाद मैंने सेटअप ले लिया है, अभी मैं एक वीडियो चालू करके शूट करके दिखा देता हूँ आपको। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग
हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो वॉइस आपको रिकॉर्ड हो पा रही होगी, ये घर के अंदर से हो रही है। यहाँ पर कोई शोर शराबा ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा फैन वगैरह चल रहा है, वो भी ऊपर चल रहा था। एक बार फैन चालू करके भी देख लेता हूँ। और मेरा आउटडोर का जो फैन है यहीं घर के अंदर ही है, तो कितना नॉइस कैप्चर करता वो देख लेते। फिर पर चलते हैं छत के ऊपर और आप देख पाएंगे तो ये ऊपर फैन है और इससे वॉइस हो गई है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, छत के ऊपर चलते हैं और उसके बाद में दूसरी रिकॉर्ड आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं छत के ऊपर और कुछ इस तरह का व्यू है। और मेरे आजू बाजू के आपको नज़ारे में दिखा दूं तो कुछ इस तरह के हैं। और आप देख पाएंगे तो यहां पर बहुत सारा शोर हो रहा है, हवा भी चल रही है, बहुत सारे पक्षी भी बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से कितनी आवाज़ आ रही होगी वो आप देख पाएंगे। और जैसे कि पीछे लाइट आ रही है तो शायद मेरा चेहरा बराबर दिख नहीं रहा होगा। और यहाँ पर हवा भी चल रही है और बहुत सारा शोर भी हो रहा है, शोरगुल भी हो रहा है, तो शायद थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना इसके अंदर है और ये जो मेरा प्लॉडर है यूज़फुल है कि नहीं है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।